जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आज मैं आपको ना इस पे अपवर्क पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगी और आपने किस तरह से जॉब्स वगैरह हंट करनी है इसमें और क्या क्या सिनेरियो है वो सारी चीजें आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने upwork.com ओपन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और upwork.com ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखते हो टॉप राइट कॉर्नर पे साइनअप का बटन आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब आपने दो चीजों के अकाउंट अलग अलग बनते हैं, यानी कि अगर आप कोई क्लाइंट और आप किसी को हायर करना चाहते हो तो उसका अकाउंट अलग से बनेगा, लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हो और आप काम ढूंढना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई एज ए फ्रीलांसर। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और लोकेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, येस अंडरस्टैंड, क्रिएट माई अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। वैसे इसे कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जो भी आप अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी ईमेल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ईमेल आप इस पर लगाएं। और अच्छा, ये ऑलरेडी इन यूज है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू विद ईमेल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पासवर्ड लॉगिन हो गया वैसे ये, लेकिन ये भी इसी तरह स्टूडेंट्स को बस मैंने क्रिएट ही करना सिखाया था, लेकिन एनीवेज यहाँ पर मैं फिर भी साइन अप करके एक नया अकाउंट आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम कंटिन्यू विद गूगल ही करते हैं और कुछ और ईमेल्स हैं उसमें से देख लेते हैं। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और इसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक इसने सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर येस अंडरस्टैंड क्रिएट माई अकाउंट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, अब अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया, बस अब इसके आगे जो है वो आपको अपनी फर्दर इंफॉर्मेशन ही फिलअप करनी है। तो अपवर्क का अकाउंट जो है वो क्रिएट करना सीख रहे हैं, बस एक मिनट दें, ये रीडायरेक्ट हो जाए। जी, अब हमने अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है यहाँ पर। तो प्रोफाइल क्रिएशन इसमें बहुत जरूरी होती है, इसमें परसेंटेज होती है प्रोफाइल कंप्लीशन की। जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीशन 100% नहीं हो जाती तब तक आप जॉब्स को अप्लाई करने की तरफ ना जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हाइश ये नाम लिखा हुआ है, उसके बाद अप्लाई, आंसर अ फ्यू क्वेश्चन, स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल, अप्लाई फॉर ओपन रोल्स, गेट पेड सेफली। ठीक है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फ्यू क्वेश्चंस है, आई एम ब्रैंड न्यू, आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई एम एन एक्सपर्ट। अब इसमें आपने बताना है कि आप क्या है, मतलब फ्रीलांसर आप किस तरह के हैं, आप न्यू हैं या आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है या आप एक्सपर्ट हैं। आप इसको सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लो, नेक्स्ट कर लो। उसके बाद आपका बेसिक पर्पस क्या है इस मार्केट प्लेस को मतलब करने का। ठीक है, टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक मनी ऑन द साइड, टू गेट एक्सपीरियंस फॉर फुल टाइम जॉब, आई डू नॉट हैव गोल इन माइंड। ठीक है, तो आप देख लो साइड मनी आपको चाहिए या जो भी, इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, एवरीबडी वर्क इन डिफरेंट वे, सो वी हैव डिफरेंट वे ऑफ हेल्पिंग यू विन, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल प्रेफरेंसेस। आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय, आई वुड लाइक अपवर्क टू एक्ट एज ए रिक्रूटर। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई एम ओपन टू हायर, क्रिएट प्रोफाइल पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, अब इसमें ना दो तीन चीजें होती हैं, फिल आउट मैनुअली भी हो सकता है, रिज्यूम यानी कि जो सीवी होती है उसको भी अपलोड किया जा सकता है, और अगर आप लिंक्डइन से इम्पोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लिंक्डइन और अपवर्क दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो। फिल आउट मैनुअली पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रोफेशनल रोल आपने लिखना है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पर अमेजोन अकाउंट री इंस्टेटमेंट एक्सपर्ट, ठीक है, इस तरह करके कोई भी आप जॉब रोल अपना यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, एड योर एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कर दो, अब एजुकेशन आ जाएगी। अगर इसको भी अभी नहीं करना चाहते लेकिन करते जाएं साथ साथ, मैं अभी नहीं कर रही, आपने करना है। ठीक है, आपको कन्वर्सेशनल अपनी लाजमी रखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज, और अपनी स्किल्स यहाँ पर बताएं, अमेजोन एक्सपर्ट जो भी है वो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा, रीइंस्टेटमेंट ये वो। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी स्किल के बारे में यहाँ पर
ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पर लिखो एमेजोन अकाउंट रीन स्टेटमेंट अपवर्क। ठीक है, यहाँ पर देखो डिफरेंट लोगों की ना अपवर्क की प्रोफाइल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो। एनीवेज यहाँ पर देखो एक मैंने ओपन की है। अब ये अपवर्क की प्रोफाइल है किसी की, ये देखें ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पर आ रही है इस तरह से। ठीक है, और प्रोजेक्ट की डिटेल्स के साथ साथ ना इस पर्सन की मतलब जो डिटेल्स है ना, जैसे ये तारिक एम लिखा हुआ है, इसके नेम पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें ना, यहाँ पर ये एक्चुअली इसकी वो है डिस्क्रिप्शन जो कि आपको भी यहाँ पर लिखनी होती है, लेकिन आप यहाँ पर देखते सिर्फ अकाउंट रीन स्टेटमेंट की इसने नहीं दी हुई। इसने होलसेल, डिजिटल मार्केटिंग, लिस्टिंग, रैंकिंग, ये काफी सारी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करे, जिसमें एक सर्विस उसकी अमेजोन अकाउंट रीन स्टेटमेंट भी है। अब आप इसमें बाकी सारी चीजें अगर आप देखो ना, तो ये चीजें आपकी आपकी प्रोफाइल में भी नजर आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो एज नीडेड ओपन टू ओवर ऑफर, इंग्लिश फ्लुएंट है उसकी, नेटिव बाइलिंगुअल है, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर एंटर कर सकते हो। वेरिफिकेशन आईडी ये मैं आपको बताऊंगी, बाकी एजुकेशन जो है वो आप अपनी यहाँ पर एंटर करोगे। उसने छोटे छोटे कोर्सेज किए हुए हैं, वो कोर्सेज आप इसके यहाँ पर देख सकते हो। अमेजोन अकाउंट हेल्प सपोर्ट ये आप अपने में भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, Amazon अकाउंट हेल्प सपोर्ट, Amazon अकाउंट री इंस्टेटमेंट, ये आप कर सकते हो अपने उसकी प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद देखें, ये इसी तरह से आपने अपने अकाउंट के अंदर भी इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो जैसे ये बंदा है, इसकी भी 4.8 स्टार है रेटिंग इसकी, और 34 रिव्यूज हैं। और इस बंदे के नाम पर भी अगर हम क्लिक करें तो हम इसका पोर्टफोलियो देख सकते हैं, इसके नाम पर क्लिक करेंगे तो। अब यहाँ पर देखो ये इस तरह से इसकी भी काफी सारी है, या ये वाली चीज में हम यहाँ से इसकी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज कॉपी नहीं करनी। ठीक है, अभी मैं बस आपको जस्ट बताने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ कि देखो इसने काफी ज्यादा कुछ अपने बारे में लिखा हुआ है कि काफी सारी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन हमारा जो मेजर कंसर्न होगा, हमने कस्टमाइज सिर्फ एक ही उससे रिलेटेड बनानी है अकाउंट हेल्प से। लेकिन अगर आप मल्टीपल चीजें देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिलहाल कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपने इस तरह कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं तो जस्ट आपको क्रिएशन की एक हिंट दे रही हूँ। ठीक है, अब आपने सर्विस अपनी जो है वो सर्च करनी है यहाँ पर कि आप किस तरह की सर्विस दे रहे हो। आप यहाँ पर सर्च करोगे और दूसरों की भी देख सकते हो कि उन्होंने अपनी ऑफर में क्या लगाया हुआ है, कि वो किस टाइप की सर्विसेज, तो ई कॉमर्स एजुकेशन बेसिकली है, और हमने देखना है कि ई कॉमर्स का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है या कहाँ पर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए मैं, हाँ ये भी कर सकते हो आप एडमिन सपोर्ट में जाकर वर्चुअल असिस्टेंट, ये भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा बेटर ये है कि अगर आपको ई कॉमर्स मिल जाए। ठीक है, आईटी एंड नेटवर्क में नहीं है मैडम। हाँ वो पता नहीं नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से शायद हो रहा है। मैम ये अभी नीचे आया था शायद, वेब मोबाइल हाँ एंड सॉफ्टवेयर। मुझे ना वो एक्चुअली नीचे बार है, उस वजह से मुझे ना विजिबल नहीं हो रहा, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आपने अलबत्ता यहाँ से मैं अभी फिलहाल यही सिलेक्ट कोई भी ऐसे कर लेती हूँ, आपने ई कॉमर्स वगैरह सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ओवरली रेट आपने अपने यहाँ पर लिखने, कम से कम $10 लाजमी लिखना है, 10 से कम आपने अपना रेट नहीं रखना। ठीक है, 10 में से भी 2 अपवर्क ले लेगा और आपको जो है वो $8 मिलेंगे। ठीक है आवरली रेट मीन्स मैम, जी, आवरली रेट मीन्स क्या होगा ऐसे मैम? अपवर्क की फी होती है ना, क्लाइंट आप उधर से लेते हो तो उसकी फी होती है। यहाँ पर आपने अपनी फोटो अपलोड करनी है,
बिल्कुल जेन्युइन जो आपका एड्रेस है वो सारा आप यहाँ पर एंटर करोगे, अपना फोन नंबर यहाँ पर एंटर करोगे, फिर एक ओटीपी आएगा फोन नंबर का, वो आप एंटर करके अपना फोन नंबर वेरीफाई करोगे और चेक योर प्रोफाइल पर उसके बाद क्लिक करोगे, ठीक है? तो आपकी जो मतलब अपवर्क की प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? तो बस आप 1 मिनट दो, मैं रिकॉर्डिंग जरा स्टॉप करती हूँ, और एक अकाउंट ऑलरेडी मैंने इसी तरह स्टूडेंट्स के सामने क्रिएट किया था, उसको मैं ओपन करती हूँ और आपको फिर वहां से जॉब्स फाइंड आउट करना सिखाती हूँ। जी, अब आप ये मतलब देख सकते हो कि ये मैंने ना एक डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन किया, ये जस्ट एक टेस्टिंग हमारा वो है जो स्टूडेंट्स को बस दिखाने के लिए अपवर्क की प्रोफाइल, ठीक है? तो आप इसमें ये जॉब्स हैं, ये टैलेंट्स हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, ये मैसेजेस हैं, जो कस्टमर आपसे जो क्लाइंट अप्रोच करता है वो मैसेजेस यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से देखना है इस साइड से कि ऑनलाइन आप हैं, इनविजिबल नहीं होना, ठीक है? और इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करो, प्रोजेक्ट्स पर आप क्लिक करो और अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको सर्च करोगे तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको इस तरह से ये लोगों की मतलब वो है गिग्स वगैरह या जो ऑफर्स हैं वो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? तो मतलब कहने का ये है कि जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन जब आपने जॉब्स फाइंड आउट करनी है आपने माई जॉब्स या ऑल जॉब पोस्ट पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये अमेज़न फंड्स डिसबर्समेंट, इसको आप ऐसे क्लोज हो चुका है ये वाली वो मतलब ऑफर जो है वो क्लोज हो चुकी है, लेकिन इसमें आपको मुझे लगता है कि ये मैंने क्लाइंट अकाउंट बनाया था, 1 मिनट ठहरिएगा। अच्छा, ये देखें यहाँ पर मैंने ना जॉब्स का बटन सिलेक्ट किया, अभी मैंने कोई अकाउंट लॉगिन नहीं किया, जस्ट वैसे ही मैं आपको यहाँ पर जॉब फाइंड आउट करना बता रही हूँ, ठीक है? मैंने सर्च किया और यहाँ पर ना मतलब अब हमें यहाँ पर डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो फर्स्टली आप यहाँ पर देखो, आई वांट एक्सपर्ट टू रीइंस्टेट माय अमेज़न सस्पेंडेड अकाउंट, और इसको हम ओपन कर लेते हैं इस जॉब को। अब इस जॉब के बारे में आपको मैं बताती हूँ, 2 दिन पहले इसने अब पोस्ट की है ये वाली जॉब, आई वॉन्ट एक्सपर्ट ड्यू टू सेक्शन 3, ठीक है? सिर्फ वो $200 देगा। उसके बाद ये स्किल्स की एक्सपर्टीज है, अगर ये आपकी अकाउंट से मैच करती हैं तो फिर ये मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद देखो एक्टिविटी ऑन जॉब, 5 से 10 लोग अब तक प्रपोजल जमा करवा चुके हैं, यानी कि इसके लिए आपको खुद पोस्टिंग जॉब की देखकर तो खुद अप्लाई करना पड़ता है जॉब के लिए। अच्छा, अगर क्लाइंट ने किसी से इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर नजर आएगा, अगर इनविटेशन उसने किसी को सेंड की है या अनआंसर्ड इनविटेशन है वो यहाँ पर नजर आएगी। अबाउट द क्लाइंट, क्लाइंट जो है उसने 19 मई 2020 को जो है वो मतलब अपवर्क की जो क्लाइंट एरिया है उसको ज्वाइन किया था, और क्लाइंट जो है वो यूएई से बिलोंग करता है, आप यहाँ पर देख सकते हो यूएई से बिलोंग करता है, और 5 जॉब्स अब तक वो पोस्ट कर चुके हैं लेकिन उसने हायर अभी तक किसी को नहीं किया, 2 ओपन जॉब अभी उसकी हैं। तो यहाँ पर देखो हायर रेट जब है ही नहीं उसका तो इसका मतलब वो जब पोस्ट करता है सिर्फ लेकिन हायर किसी को नहीं करता, ठीक है? तो इस तरह के क्लाइंट से आपने बचना है, मतलब ये आपके प्रपोजल के जो बेड्स होते हैं उसको मतलब ऐसे खराब करता है, जाया करवाता है, ठीक है? आपने ऐसे क्लाइंट को देखे हैं जिसका हायर रेट भी अच्छा हो। अब ये भी अमेजोन सेलर अकाउंट रीइंस्टेट है, और यहाँ पर आप देखो कि उसने प्राइस कोई नहीं बताई हुई, एक्सपीरियंस लेवल वो कहता है बंदा होना चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए, 10 से 15 प्रपोजल भेजे जा चुके हैं अब तक, और 2 दिन पहले से उसने मतलब 2 दिन पहले उसने अपना ये देखा है, 8 लोगों का इंटरव्यू किया, उसने 11 लोगों को इन्विटेशन सेंड किया है, 2 लोगों ने अभी तक उसको जवाब नहीं दिया।
इसका भी हायर रेट देखिए आप 0% है, ठीक है? तो ऐसे क्लाइंट को हमने अप्लाई नहीं करना। अब देखो इसको देखते हैं, नीड समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन रेंज स्टेटमेंट सस्पेंडेड लाइक अमेजोन वॉलमार्ट ईबे इट्स है, ठीक है? 25 दिस जॉब हैज पोटेंशियल टू टर्न इनटू अ फुल टाइम रोल, ठीक है? फिर इसमें भी आप देखो कि 5 से 10 प्रपोजल गए हैं, एक इंटरव्यू हो रहा है और एक इनविटेशन उसने सेंड की हुई है। इसका भी हायर रेट 0% है और इंडिया से ये बिलोंग करता है। आपने देखना है अगर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं ना तो उस पे अपना जो बिड है उसको आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो सीरियस क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पर देखो उसने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन सारा अटैच किया है और उसको सर्विस क्या चाहिए, मतलब अकाउंट रीइंस्टेटमेंट की सेक्शन 3, और $150 सिर्फ ऑफर कर रहा है। 20 से 50 लोगों ने जो है वो अप्लाई किया है, US बेस्ड क्लाइंट है, 8 जॉब्स पोस्टेड है, 75% हायर रेट है। इसका मतलब है कि इसका हायर रेट अच्छा है और ये 6 लोगों को अब तक हायर कर चुका है, लेकिन ये पैसे बड़े कम देता है। यहाँ पर देखो 6 लोगों को हायर किया और $320 सिर्फ खर्च किए हैं, तो 320 को अगर 6 पे डिवाइड करो ना तो $30 से थोड़ा सा अबव आप समझ लो कि डॉलर्स में इसका एवरेज रेट आता है, ठीक है? तो लेकिन ये है कि क्लाइंट ठीक है, मतलब सारी तरह से ओके है, लेकिन इसकी आपने ये देखना है कि अब सेक्शन 3 है, इसको कैसे खोलेंगे। ऑब्वियसली जब तक खुलेगा नहीं, क्योंकि उसने रीइंस्टेटमेंट लिखा हुआ है, जब तक खुलेगा नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इस तरह के आपने सारे केसेस को यहाँ पर इन डेप्थ जाकर स्टडी करना होता है। अब ये देखो ये केस अच्छा है, फर्स्ट टाइम ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायोलेशन, अकाउंट रीइंस्टेट करवाना है, $100 देगा, ये अच्छा है, ठीक है? इसमें 15 से 20 लोग अब तक दे चुके हैं, 4 लोगों से उसने इंटरव्यू कर लिया है, एक बंदे को वो हायर कर चुका है पहले, और $50 उसकी टोटल स्पेंडिंग है। इसका मतलब है कि भी हायर करता है। तो 2 जॉब्स अब उसने पोस्ट की हुई है, उसमें से एक ओपन है जॉब, ठीक है? और बांग्लादेश से ये बिलोंग करता है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब गॉड फर्स्ट टाइम ड्रॉप शिपिंग, आई हैव सबमिटेड अपील बट अमेजोन रिजेक्टेड, हूएवर कैन रीइंस्टेट विल गेट सम एक्स्ट्रा बोनस। जो भी खोल के देगा वो कहते हैं उसे एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो अब मिसाल के तौर पर ये हमें जॉब अच्छी लगी है, ठीक है? तो हमें सबसे पहले तो अपने अकाउंट को साइन इन करना पड़ेगा। मुझे अब याद नहीं है अकाउंट एक्चुअली, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। चलें देखते हैं अगर ये खुल जाता है तो। नहीं है असल में ये क्लाइंट वाला अकाउंट है, स्विच करके देखते हैं, लेकिन स्विच करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा फिर आप 1 मिनट दें, मैं देखती हूँ जरा किसी का पासवर्ड रीसेट करके, अगर पासवर्ड निकल आते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। अच्छा चलें ये यहाँ पर देखें कि ना ये क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी आ रही होती है। पेमेंट मेथड क्लाइंट का ना वेरीफाई होना चाहिए हर सूरत। यहाँ पर उसने ना देखो कुछ PNGs भी दी हुई है, आप इसको भी खोल के देख सकते हो डिटेल में। उसके बाद ये आप यहाँ पर रिव्यूज देखोगे, इसके 5 स्टार है, 1 मतलब रिव्यू है, और रिव्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हो, नो फीडबैक गिवन, इसने कोई फीडबैक नहीं दिया, सप्लायर परचेज इनवॉइस है, और ये उसने इनवॉइस किसी से पहले बनवाई हुई है। इस जॉब को भी देख सकते हैं कि इसने क्या मतलब जॉब यहाँ पर ओपन की थी, ये अटैचमेंट भी कुछ इसने दी हुई है, उसको भी हम यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, ये उसको इनवॉइस चाहिए थी तो वो उसने किसी से इनवॉइस यहाँ पर जनरेट करवाई है, ठीक है? उसने किसी को हायर किया हुआ है यहाँ पर। अच्छा एनीवेज ये तो जॉब वो है जो कि हायर हो चुकी है उसकी। अब इसके बाद ना ये मतलब जॉब ठीक है, अगर इस तरह की जॉब आपको सूटेबल लगती है तो फिर आपको इस जॉब पर अप्लाई करना होता है, ठीक है? तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ना अप्लाई टू दिस जॉब लिखा हुआ आता है, उस पर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद ना मतलब आपको मतलब लिखना पड़ता है इसके बारे में, एक आप समझो कि इस जॉब के ऊपर आपको बिड करना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ लिखकर क्लाइंट को सेंड करना पड़ता है कि हम ये कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, और पेमेंट आप किस तरह से देंगे,
ये सारी चीजें हमें देनी होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको ना सैंपल इसका शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, कि आप जो भी इसका क्रिएट करोगे लेकिन वो कस्टमाइज होगा। जरूरी नहीं है कि जो इस अकाउंट पर एप्लीकेबल होगा वो सब अकाउंट्स पर हो। हर जॉब की पोस्टिंग के मुताबिक आपने खुद से राइट करके और फिर आपने सबमिट करवाना होता है, और इसमें ना कनेक्ट्स मिलते हैं आपको। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करोगे तो 50 कनेक्ट्स मिलेंगे, और ना हर जॉब पर अप्लाई करने के लिए कुछ कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और वो कनेक्ट्स आपको तब नजर आते हैं जब आप अकाउंट को लॉगिन कर लोगे। ठीक है, जब अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो 50 कनेक्ट्स मिलेंगे। हर जॉब पर अप्लाई करने के लिए कुछ कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे 2 कनेक्ट्स, 4 कनेक्ट्स, 1 कनेक्ट, 6 कनेक्ट। तो आपने देखना है कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, और आप जो बिडिंग करने जा रहे हो, जो आप अप्लाई करने जा रहे हो जॉब पर, आप उसमें कितने कॉन्फिडेंस हो, और आपने कितना अच्छा मटेरियल उसमें लिखा है ताकि क्लाइंट आपसे कन्विंस हो जाए। ठीक है, तो इस चीज पर देखते हुए आपने बिड लगानी है। अगर 4 कनेक्ट्स आपके जाया होने लगे हैं और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो फिर आप उसे जाया मत करो, आप किसी और जॉब के लिए उसे बचा लो। अगर 50 कनेक्ट्स के बाद हर मंथ आपको 20 फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं, फर्स्ट टाइम 50 मिलते हैं और उसके बाद हर दफा 20 फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं, और उसमें ये होता है कि अगर कनेक्ट आप इस्तेमाल नहीं करते तो वो नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन 180 डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। और एक और चीज आपको बताती चलूं कि मतलब ये जो कनेक्ट्स होते हैं, अगर आप इस सारे इस्तेमाल कर दो और आपको कनेक्ट्स की जरूरत है, तो कनेक्ट्स आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो कनेक्ट्स परचेज मतलब कुछ सेंट्स में एक कनेक्ट आपको मिलता है, तो आपको फिर परचेजिंग करनी पड़ती है। इसलिए जो कनेक्ट्स आपको अवेलेबल होते हैं फर्स्ट 50, उसमें फर्स्ट जॉब अगर आप तलाश कर लेते हो सक्सेसफुली, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो कोशिश की हमेशा ये करनी चाहिए कि हमेशा जो फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं उसमें ही आप अप्लाई करो। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है कि इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और इसकी जो मतलब इसको अप्लाई करने का तरीका है उसमें एक शॉर्ट सी वीडियो भी आपको सेंड कर दूंगी कि आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हो। आपने ये जरूर देखना होता है कि जो क्लाइंट है उसकी पेमेंट मेथड वेरीफाई होनी चाहिए, यानी कि उसने अपना कार्ड ऑलरेडी मतलब किसी भी पर्सन को हायर करने के लिए इस्तेमाल किया हो, तो पेमेंट मेथड अगर वेरीफाइड होगा तो उतनी ही आपके लिए पॉसिबिलिटी होगी। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट टाइम ड्रॉप शिपिंग है, इसको 6 कनेक्ट आपके लगेंगे अकाउंट जो है वो, अगर आप इस पर अप्लाई करते हो, इस पर आप CV सेंड करते हो जस्ट लाइक। ठीक है, तो अब आपका टास्क ये है कि आप इसको क्रिएट कर लो, और मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो सेंड करूंगी जिसमें आपको इन कनेक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करके आगे आपने अप्लाई करना है, और जो फॉर्मेट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें। चलें, ठीक है, आप इसे क्रिएट कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैम ये जो कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं जो फ्री में मिलते हैं, उसके बाद क्या बाई करने पड़ते हैं? जी आपको खरीदने पड़ते हैं, बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, वो सेंट्स में होते हैं। आप 10 कनेक्ट्स खरीदोगे तो और प्राइस होगी, 100 खरीदोगे तो और होगी, तो वो एडवांस लेवल पे जाके जब आपका काम चल जाता है तब आप कनेक्ट्स बाय करना शुरू करते हो। लेकिन शुरू में कोशिश करो जो 50 फ्री मिलते हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट पकड़ लो एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है, चलें, बाकी मैं आपको डिटेल इसकी फर्दर वो सप्लायर की जो भी है, जो आपने एज ए जॉब पोस्टिंग के लिए अप्लाई करना होता है, उसका मैं एक फॉर्मेट आपको अभी सेंड कर देती हूँ। ठीक है, चलेंगे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।